हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं अकोमोडेशन वापस ड्यूटी से। तो दुबई में आज पूरा दिन भर बारिश थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी सड़कें, जितनी भी सड़क है, पूरी पानी से भर चुकी है। ये एक तालाब बन चुकी है, ऐसा लग नहीं रहा है। सड़क तो दिख भी नहीं रही है भाई, ना फुटपाथ दिख रहा है साइड में, बस पूरा ही पानी भरा हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुके हैं, आधे घंटे से इस जाम में फंसे हुए हैं। हम निकले थे शायद 7:45 पे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। हम काफ़ी देर से खड़े हैं एक ही जगह पे, तो देखते हैं अगर आज हम पहुंच जाएंगे अकोमोडेशन तो अच्छी बात है, वरना तो मुझे लगता है कि यहीं पे सोना पड़ेगा आज हमें सड़कों पे। तो दुबई में कभी इतनी बारिश हुई नहीं है इससे पहले, ये आज पहली बार है शायद कि इतना बारिश हो रही है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पूरा आधा घंटा हो चुका है हमें एक ही जगह पे खड़े खड़े। कम से कम हमने आधे घंटे में 200 मीटर ही क्रॉस किया होगा, तो काफ़ी देर हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा लग रहा है ये टाइम बताना। चलो गाइस थोड़ी देर बाद, काफ़ी देर बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी है गाड़ी, पर पानी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे। लोग इधर उधर खड़े हैं, लोगों को जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, लोग तैयार भी नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दुबई में इतनी बारिश कभी नहीं हुई, कभी इतनी बारिश को देखने को नहीं मिली लोगों को। और ये महीना चल रहा है अप्रैल का, अप्रैल में कहते, मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, पर मैंने सुना है लोगों से कि अप्रैल में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, पर अभी तक यहाँ पे ठंड है और ऐसी हालत हो चुकी है यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा पानी, लोग खड़े हैं पानी के बीच में, चल रहे हैं, चलने के लिए रास्ता नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। थोड़ा सा आगे चले थे और उसके बाद फिर से हम फंस चुके हैं। अभी 9:10 हो चुके हैं, तो अभी तक हम यहाँ पे खड़े हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो मैंने सोचा शूट कर लेते हैं एक और, क्योंकि देखो टाइम पास तो मेरा हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा बना लिया जाए व्लॉग भी, क्योंकि फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। अभी लोगों को एक फेस दिखाना चाहिए। तो काफ़ी देर हो चुकी है हमें इस दलदल में फंसे हुए, दलदल ही बोल सकते हैं। तो अभी तो नींद भी आ रही है, पर क्या करें, अभी हमारे लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी शिफ्ट के हिसाब से है। अभी जा रहे हैं रूम, फिर सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी वापस जाएंगे। पर जो लोग घूमने आए हैं, मैं तो उनके बारे में सोचता हूँ तो बुरा सा फील होता है, क्योंकि दुबई एक एक्सपेंसिव जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा कर आना पड़ेगा। तो अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो, फिर आपको देखने के लिए कुछ ना मिले, घूमने के लिए कुछ ना मिले, ट्रैवलिंग आपके लिए हार्ड हो जाए, तो वो आपका इंजॉय नहीं हुआ। वो आपका हुआ कि इंडिया से आए या दूसरी कंट्रियों से आए और यहाँ पर फंस गए। और रूम रेंट काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर, खाने पीने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरी सलाह ये है, जो लोग दुबई में घूमने आए हैं या फिर जो दुबई में काम कर रहे हैं, वो सेफ़ रहें, घरों में रहें, अकोमोडेशन में रहें और ख़ुद को सेफ़ रखें, ताकि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो सेफ रखें खुद को, बाकी हम तो जा ही रहे हैं। बोल बोल जल्दी बोल। हे गाइस, दुबई में पानी है, बोल बोल बोल। अच्छा, तो फाइनली गाइस 15 मिनट का रास्ता 1-2 घंटे में पूरा करने के बाद हम अपनी अकोमोडेशन में पहुंच गए हैं। मिलते हैं, अब कल की तैयारी करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।